बॉलीवुड की फिल्म्स तीन तरह की होती हैं। पहली अच्छी, दूसरी खराब और फिर आती है तीसरी सलमान भाई की फिल्म्स, जिन्हें क्रिटिक्स कहते रहेंगे खराब पर पब्लिक फिर भी देखती रहेगी और फिल्म पैसा छापती रहेगी। इसी बीच सलमान भाई की एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, किसी का भाई किसी की जान, जिसके टीजर ने पर्सनली मुझे मूवी के लिए ज्यादा एक्साइट नहीं किया था, पर ट्रेलर देख करके लग रहा है कि नहीं भाई, मूवी में लॉजिक मिले या ना मिले पर एंटरटेनमेंट जरूर मिलेगा। टीजर में भले ही एक्शन ने उतना अच्छा इंपैक्ट ना छोड़ा हो, पर इस ट्रेलर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला जो कि अच्छा है। इस ट्रेलर में मूवी का विलन भी नजर आया, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जगपति बाबू। ये मूवी तमिल मूवी वीरम की रीमेक है, जिसका हिंदी वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है, पर इस मूवी के मेकर्स ने कहा है कि उन्होंने स्टोरी में काफी कुछ चेंज किया है, जो कि ट्रेलर देखकर के लग भी रहा है। एक्शन तो 75% से ज्यादा चेंज कर दिए गए हैं, लोकेशन भी काफी डिफरेंट है और स्टोरी भी थोड़ी सी ही सही पर अलग है। और जैसा कि मैंने टीजर की रिव्यू में ही कहा था कि यहाँ वेंकटेश सर हैं, तो शायद वो हीरोइन के फादर नहीं बल्कि बड़े भाई हों, और ट्रेलर में ये क्लियर भी हो गया। स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि सलमान खान एक ऐसे इंसान है जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ भी, इसी वजह से उन्हें लोग भाईजान कहते हैं। फिर एक लड़की को उनसे प्यार हो जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भाईजान साउथ जाते हैं लड़की के भाई से मिलने, जहाँ पता चलता है कि कोई उसके भाई को बर्बाद करना चाहता है। पर अब विलेन को लड़की के भाई से पहले भाईजान का सामना करना होगा, जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। बात करें निगेटिव पॉइंट की, तो डायलॉग्स अप टू द मार्क नहीं है, पर काम चल जाएगा। लव स्टोरी को जितना ट्रेलर में स्पेस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मूवी में भी खींचा जा सकता है। कॉमेडी बिलो एवरेज है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो श्लोक सलमान खान ने बोला, वो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है, जिसमें धृतराज संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध के इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक को यहाँ बोलने का क्या मतलब? श्रीमद् भगवद गीता में सैकड़ों की संख्या में ऐसे श्लोक है जो जीना सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं और कुछ करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं, पर इन लोगों को यही श्लोक मिला था दिखाने के लिए, जिसका शायद ही मूवी में कोई रिलेवेंस हो। म्यूजिक ट्रेलर का अच्छा है और ऐसा नहीं है कि मूवी का ऑडियंस के बीच में क्रेज नहीं है। इसका गाना यंटेम्मा 6 दिन से नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। बाकी ये मूवी कैसी होगी वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि रिलीज होगी 21 अप्रैल 2023 को। तो दोस्तों, ये था किसी का भाई किसी के जान के ट्रेलर का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, आपको ट्रेलर कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।